आज हम आ चुके हैं अपने खेत में। तो आप बात करिए अपने चाचा से। नहीं, आप तो वासु बताओ यहाँ हम लोग क्यों आए हैं। क्योंकि हम लोग आपको वीडियो दिखाने आए हैं यहाँ खेत में। और आज वीर कहाँ गए? वो तो पापा साथ काम में गया है। आज वीर गए हैं पापा के साथ अपने कहीं पे, और आज हम और वासु ही हैं वीडियो दिखाने के लिए। हम आए हैं आपको वीडियो दिखाने के लिए। ये हमारा खेत है। वो गाइस जहाँ तक आप देख रहे हैं पूरा वो स्कूल के पीछे तक, वो पेड़ के पहले तक, वहाँ तक हमारा खेत है। और दिखाते हैं आपको, ऐसे ये इधर से जाएंगे, फिर वो वहाँ तक जहाँ तक वो मेड़ दिख रहा है बड़ा वाला, उधर वहाँ तक खेत है। फिर इस तरह पूरा वो जो बच्चे खेल रहे हैं वहाँ से लेके वो जो घर दिख रहे हैं वहाँ तक हमारा खेत है, उस कोने तक। फिर वैसे वैसे उधर से आएंगे, ये हमारे यहाँ चरी वगैरह बोई गई है, और ये सूरजमुखी है, ये अभी बाद में कुछ दिन बाद, ये देखिए इसमें फूल जो है वो आने लगा है। ये कुछ दिन बाद जब फूलेगा तो बहुत ज़बरदस्त इसका फूल होता है, मज़ा आ जाता है इसको देख के। और गाइस ये हमारी चक्की है, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं, तेल पेराई से लेकर आटा की चक्की, मसाला, पानी, ट्यूबवेल भी यहीं पे है, और बहुत ही शानदार। यहाँ नहाने में बहुत मज़ा आता है ना वासु? हाँ। कब नहाए थे तुम यहाँ आखिरी बार? सबसे पहले कब? जून। जून में पिछली बार हम लोग जून में नहाए थे, और इस बार भी हम लोग नहाएंगे। अभी तो हम लोग घूम रहे हैं अपने खेत में, और खेत में जानते हैं गाइस बहुत मज़ा आता है। यहाँ एकदम शांति रहती है, कोई बोलने वाला नहीं होता, और ऐसा लगता है जैसे जन्नत में आए हुए हैं। और जब ये जब सूरजमुखी के जब पौधे होंगे, ये जब इनमें फूल आ जाएंगे, तब इनको देखने में बहुत ही मज़ा आता है। वासु बताओ कैसा लगता है जब सूरजमुखी फूलता है तो? बहुत अच्छा। हाँ तो गाइस हम आपको कुछ चीज़ें दिखाते हैं, जैसे ये जो है गाइस ये उर्द बोई गई है, आप खाते हैं ना उर्द, और ये इधर मूंग बोई गई है। जो आप उर्द और मूंग की और नमकीन खाते होंगे, ये ऐसा ही खेतों से यहाँ से पकती है, फिर यहाँ पर किसान उसको तोड़ता है, यानी हम लोग इसको तोड़वाते हैं या तोड़ते हैं, फिर इसको सुखाया जाता है, और फिर ये बेच दिया जाता है। फिर इसको कंपनियाँ खरीदती हैं और इसे अच्छे खासे प्रोसेसिंग यूनिट के माध्यम से नमकीन तैयार करती हैं और करोड़ों रुपए कमाती हैं। लेकिन हम किसान बस कुछ ही पैसे इसमें मिलते हैं, वो भी बहुत सारी मेहनत के बाद। तो ये गाइस हम लोगों का जो तार बंधा हुआ है, ये रात में यहाँ पे बहुत सारे जानवर आ जाते हैं, उन जानवरों को खेत से आने में रोकने के लिए ये पूरे तार लगाए गए हैं। अभी और भी खेत में लगना था, लेकिन उधर इसलिए नहीं लग पाया क्योंकि हमारे पास पिलर अभी नहीं थे, और पिलर अभी कुछ बने हुए हैं, उनको लगाया जाएगा। ये देखिए गाइस, ये इस तरीके से ये कटीले तार हैं ऐसे ये, और ये इसलिए लगाए गए हैं ताकि जानवर जो है वो यहाँ पे आए ना, और आए तो इसको पार करके खेत में ना जाता है। और ये गाइस चरी है हमारी, ये रोज कटती है, तो गैया भैंस को यही चरी कट के खाने को मिलती है। यहाँ का व्यूज़ बहुत शानदार आ रहा होगा गाइस, ये एकदम हरियाली आप देख रहे हैं। वासु इधर आओ, बताओ इस चरी को कौन का कैसे काट क्या करते हैं इस चरी का, बताओ। इसको गैया को खिलाते हैं। हाँ, और फिर गैया क्या देती है? दूध। दूध क्या करते हैं? पीते हैं। और दूध पीने से ताकत आती है। हाँ दोस्तों, तो दूध जरूर पीजिए, और बच्चों को दूध पीना बहुत जरूरी है। बच्चों को क्या कहोगे, बोल दो दूध पिया करो सर। सब दूध पिएगा और गैया को चरी दीजिएगा। हाँ तो गाइस आओ दिखाते हैं आपको ये चरी कटती कैसे है। हालांकि चरी पहले से हमारी कट चुकी है, ये देखिए। अभी इसको यहाँ से हम ले जाएंगे, फिर चारा मशीन में ये चरी बाली जाएगी, और फिर ये जानवरों को दी जाएगी। इस बार चरी थोड़ा कम बोई गई है, और अभी और चरी बोई जानी है, लेकिन अभी वह बोई नहीं गई है। और ये हमारा पूरा यहाँ से जो वहाँ तक आप खेत देख रहे हैं, इसमें पूरी उड़द और मूंग और इसके अलावा सूरजमुखी, ये सब बोया गया है, और कुछ तरबूज बोए गए हैं, खरबूजा भी बोया गया है। तरबूज, तरबूज और मुझे पसंद है। हाँ वासु को बहुत पसंद है, क्या पसंद है वासु? तरबूज। अब वासु थोड़ी देर कैमरा पकड़ेंगे। चलो अब तुम कुछ बताओ गाइस, ये दूध पीना सबसे जरूरी होता है, इससे बच्चे को ताकत आती है।
देखिए गाइस, यहाँ से ये लेके वहां तक दिख रहा है कि हमारा पूरा खेत है। पूरा घूम के दिखा दो, घूम के पूरा दिखा दो। ये देखिए गाइस, यहाँ से लेकर जो वहां तक वो स्कूल दिख रहा है ना गाइस, हमारा पुराना स्कूल है गाइस। ये देखिए, मैं और दूर आपको ले चलता हूँ। देखिए गाइस, देखिए यहाँ तक हमारा और बड़ा खेत है, वो देखिए। तो गाइस, आज बस खेत में ही हम रहेंगे क्योंकि आपको खेत ही दिखाना था और मेरे दांत में कुछ दिक्कत थी, दांत खटाक कराया गया है, मतलब निकाल लिया हूँ, और इसलिए आज वीडियो भी ज़्यादा नहीं हम लोग बना पाया। सोचे थे कहीं पे ड्राइव पर जाते और हम लोग फोटो शूट करते, कुछ वीडियो बनाते, लेकिन आज हम कर नहीं पाए। और बस इतना ही आज हम लोग आपको अपना खेत ही दिखा पाए, हालांकि ये हमारा यहाँ का खेत है। किसी दिन हम आपको अपने दूसरे खेत, दूसरे गांव में जो हमारा खेत है वहाँ भी ले चलेंगे। ये सोमू है, हमारा डॉगी है, बहुत खतरनाक है, मुझको भी काट चुका है ये, और वासु को भी काट चुका है। क्यों वासु? मुझको तो दो बार काटा था पैर में और लगे हैं इंजेक्शन भयंकर। मुझे भी दो बार। इसको भी वासु, सोमू, ये देखो सोमू है, ये सोमू, ये सोमू है। तो गाइस, आपने हमारा खेत देख ही लिया होगा। सोमू हटो, सोमू हटो, सोमू सोमू उधर आओ, सोमू चले बोला। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए बाय बाय।